हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका फिर से एक न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं जब यूट्यूब पे नहीं था तो उससे पहले मैं एक मोबाइल के शॉप पे काम करता था। मतलब एक फ्रेंड के साथ मैंने पार्टनरशिप पे एक शॉप खोला हुआ था, तो वो घर के बाहर ही है। चलिए वो दुकान में दिखाता हूँ कहाँ पे मैं पहले रहता था, और वहीं से मैंने यूट्यूब का भी स्टार्ट किया है। वहाँ पे एक लैपटॉप है, और दोस्तों जो है मैं यहाँ से एक जाऊँगा एक पार्क जिसका नाम है गोकुल पार्क, जहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी अपने जो है सिल्वर प्ले बटन का, तो वो पार्क भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और साथ ही इवनिंग के टाइम एक फुटेज दिखाऊंगा जहाँ पे छठ पूजा है, तो छठ पूजा में वहाँ पे मेला लगता है, तो वो सारा फुटेज आप लोग इस वीडियो पे मिलने वाला है, इस ब्लॉग पे मिलने वाला है। तो इस ब्लॉग को उम्मीद करूंगा आप लोग को अच्छा लगेगा, इसलिए एंड तक देखते रहिएगा। और मेरे साथ जा रहा है मेरा फ्रेंड श्याम, जो कि ड्राइविंग करेगा, अभी बाइक से जाऊंगा, ठीक है। तो सब कुछ दिखाऊंगा, लोकल का जितना कुछ नज़ारा है सब कुछ दिखाऊंगा, तो ब्लॉग के एंड तक देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का देसी टाइप का ब्लॉग मेरे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो ये शॉप, इसकी दुकान पर मैं पहले रहता था, यहीं पर काम करता था। ये देखिए, तो ये दुकान जो है एक मोबाइल के एक्सेसरीज का शॉप है। बाकी मैं यहाँ पे इंटरनेट का काम करता था, जैसे आधार कार्ड निकालना, पैन कार्ड निकालना, ये सब काम इसी लैपटॉप से करता था। तो उसी टाइम में इसी लैपटॉप से जो है जियो जब आया था तो इंटरनेट का यूज करता था, और यहीं से मैंने यूट्यूब के बारे में जाना है, जो कुछ जाना है। ये देखिए, ये है कुछ शॉप, छोटा सा एक दुकान है। तो ये मेरा एक फ्रेंड का है, तो वो अभी नहीं है, उसी से मैंने चाबी लेकर आया आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी आज दुकान नहीं खोला, छठ का पूजा है इसलिए। तो इस तरह का ये शॉप है, एकदम छोटा सा एक दुकान है, तो यहीं पे मैं पहले रहता था, काम करता था, ठीक है। तो ये है वो शॉप, मैंने आप लोगों को दिखाया, कुछ बाहर का नज़ारा आप लोग देखिए इस तरह का है। तो अब चलिए मैं जाऊँगा गोकुल पार्क और आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ का सीन, ठीक है, जहाँ से मैंने जो है अनबॉक्सिंग किया था उसका सिल्वर प्ले बटन का। एंड दोस्तों, ये है श्याम, तो इसका भी एक ये जो है चैनल है, टेक चैनल, जो कि कैटेगरी इसका टेक का है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, आपको नॉलेजेबल वीडियो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर चेक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग देखते रहिए। फ्रेंड्स, वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं उसी के ऊपर में है गोकुल पार्क, उस पहाड़ के ऊपर में। दोस्तों, ये कोई पहाड़ नहीं है, यहाँ से जो है कोयला निकाला जाता है, साइड पे ही खदान है, वो कोयला निकाल के जो पत्थर को काट कर जो है रखा गया है, वो उसी पत्थर से ये इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है। और इसी के ऊपर में गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर में एक पार्क बना दी है। तो चलिए इसके ऊपर चलेंगे, रास्ता आप लोग दिखाते हैं ऊपर जाने के किस तरह का है, बहुत ही खतरनाक है, और जाकर आपको दिखाएंगे कि पार्क का सीन कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से लिखा हुआ है गोकुल पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL की ओर से इसको बनाया गया, और इस क्षेत्र का नाम है लोधना। चलिए आप लोग दिखाते हैं कहाँ पे मैंने शूट किया था वो अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, फाइनली आ चुका हूँ पार्क पे। ये देख सकते हो, ये है मेन गेट वहाँ अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों, ये पार्क कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और यहाँ देखिए, एक मैप बना हुआ पूरा पार्क का कि कहाँ पे क्या है, ये देखिए। और दोस्तों, उधर देखिए, उधर जो देख रहे हो उधर खदान है, तो उधर से कोयला निकलती है, उसी कोयले के पत्थर से इस पार्क को बनाया गया है, ठीक है। तो खदान का भी सीन थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। चलिए पहले पार्क के अंदर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से गेट है।
तो फ्रेंड्स ये जो सीन देख रहे हैं यहीं पे मैंने किया था वो सिल्वर प्ले बटन का अनबॉक्सिंग जो आप लोग देखे थे, सॉन्ग बज रहा था स्टार्टिंग में, तो यहाँ से मैंने जो है चलना स्टार्ट किया था उस साइड से, और मेरे साथ श्याम ही था जो कि शूट कर रहा था। तो ये है वो जगह। तो फ्रेंड्स ये ऊपर से नीचे का नजारा है, आप देख सकते हो पूरा मतलब गांव जो है पूरा दिख रहा है वहां से, ये देख सकते हो इधर। तो इस तरह का कुछ सीन है, बहुत ही ज्यादा ऊपर में है हम लोग अभी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पार्क के ऊपर में ही एक मंदिर भी है जो कि कुछ इस तरह का नजारा, यहाँ पे पूजा वूजा होता है, तो इस तरह का एक मंदिर भी बनाया गया है पार्क के ऊपर में ही। तो दोस्तों पार्क में जो कुछ था मैंने सब कुछ दिखाने की आप लोग कोशिश किया है, और तो कुछ ऐसा खास नहीं है। तो अब मैं शाम के टाइम पे आऊंगा वहाँ पे जो छठ पूजा होता है, मेला लगता है वहाँ पे तालाब के पास, तो वो वाला नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके नेक्स्ट फुटेज पे, ठीक है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली शाम हो चुका है, टाइम हो रहा है 4:10, ये आप देख सकते हो। तो अभी जो है श्याम को मैंने कॉल करा है, वो आ रहा है, वो आने के बाद ही इस बाइक से हम लोग जाएंगे यहाँ जो मेला लगता है सामने पे एक तालाब है, चलिए चलते हैं दिखाते हैं गांव का किस तरह का यहाँ का माहौल है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स वो रहा, श्याम आ चुका है, आ रहा है वहाँ से। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। बाइक कर दिया वहाँ पर स्टैंड, वहाँ से क्योंकि आगे जाने का अलाव नहीं है, और चलिए दिखाते हैं आप लोग। और ये है मेरा और दो फ्रेंड जो कि साथ में गए हैं। ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी इसी तरह के व्लॉग आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।